वेलकम टू फूड ट्रैली फूड ट्रैवल लाइफस्टाइल। आज है वीकेंड, अगेन वन मोर सैटरडे। हैप्पी सैटरडे टू ऑल ऑफ यू। क्योंकि आज वीकेंड है और मेरा काम भी ऑफिस का आज नहीं है, वैसा बहुत सारा काम है लेकिन आज मैं काम नहीं करूंगा। तो आज हम जाएंगे घूमने के लिए। तो सुबह सुबह ब्रेकफास्ट हो चुका है, रेगुलर ब्रेकफास्ट है, इसलिए हमने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। अभी निकलते हैं डायरेक्ट बाहर और चलिए आपको भी लेके चलते हैं। और इधर है रश्मिता, अभी वो रेडी हो रही है, स्टिल हो चुकी है। तो रश्मिता को लेके चलते हैं और घूमते हैं। तो क्या मुझे छोड़ के जाने का इरादा नहीं? नहीं, वैसे मुझे चलते हैं, मतलब क्या? चलो चले। नहीं, और एक चीज छूट गया है। उस दिन अच्छा। हम लोग जो गए थे मॉल, मुझे नहीं मिला वॉच शॉप, नहीं मिला मतलब वो भूल गए। अच्छा। तो इतने सारे वॉच है तो इसका अभी डालेंगे बैटरी, रिप्लेस करेंगे। वही एक ही बात है ना, जैसे चावल और पुलाव सेम नहीं है, वैसे ही डालना और रिप्लेस करना सेम नहीं है। रिप्लेस करना मतलब ये बैटरी डालोगे, दूसरा वाला निकालोगे ना, तो एक हाँ, दैट्स अ रिप्लेसमेंट। हाँ तो ये अंदर से निकल रहा है। पर्स रखूं? हाँ। या तुम अपना केयर करो? नहीं, रख लो। लड़कियों के पर्स के लिए बहुत कंप्लेंट होता है, पर इसमें सबसे ज्यादा चीजें लड़कों का ही होता है। ठीक है, ऑल सेट हो गया, मैं रेडी भी हो गई और चलिए निकलते हैं। और सुमित आज मेरे लिए बहुत सारा शॉपिंग करवाएगा। पैसा नहीं है। तो लेके क्यों जा रहे हो? घूमने के लिए, विंडो शॉपिंग करवाऊंगा। नहीं, मैं डोर शॉपिंग करती हूँ, विंडो शॉपिंग नहीं करती। ठीक है, चलो। तो पहुंच गए हम दोस्तों वेगा सिटी मॉल, जो बनरघट्टा रोड में है। इस मॉल को हम पहली बार आ रहे हैं और सुना है कि ये अच्छी है, पुरानी है लेकिन अच्छी है। तो चलिए अभी अंदर चलते हैं और शॉपिंग करते हैं। वॉच दे दिए बैटरी चेंज करने के लिए, 15 मिनट लगेगा, तब तक कुछ और शॉपिंग कर लेते हैं। और ये वाला मेरा सिक्के वॉच का, मुझे ये चेंज करना था, थोड़ा खराब सा हो गया है, बट यहाँ पे नहीं होगा, उनके पास नहीं है। उन्होंने कहा कि डेली शिप करना पड़ेगा तब एग्जैक्ट मिलेगा, तो ये कैंसिल हो गया। अभी के लिए सिर्फ बैटरी चेंज करेंगे। हम जा रहे हैं बाटा, सुमित को चाहिए एक फॉर्मल शू। मैं बोली थी कहीं और भी चेक कर हस्पापिश बोली, पर सुमित बोल रहा है कि ऑफिस इतना जाना नहीं होता है, पुराना वाला रखे खराब हो रहा है। बाटा जिंदाबाद। तो आ गए हम यहाँ पे फॉर्मल शूज देखने के लिए। और तुम्हारे माइंड में है राइट, ब्राउन कलर का? दो जूते पसंद आए थे ट्रायल के लिए लेकिन उनके पास साइज नहीं था, तो बाटा से चेकआउट करके हम हर्ष को पीस जा रहे हैं, होपफुली वहाँ मिल जाएगा। अब जो दो मैंने सेलेक्ट किया था वो बाटा का ब्रांड का नहीं है, वो हर्ष को पीस का है। तो हर्ष को पीस का जो एक्सक्लूसिव स्टोर है वहीं जाएंगे। चलो। सुमित को जूता तो नहीं मिला पर उसको बेल्ट पसंद आ गया। ये अच्छा है। पर हम वहाँ पे जो दो सिलेक्ट किए थे उसमें से यहाँ पे साइज है, पहले ट्राई कर लो उसमें। पूरा मॉल घूम के फाइनल हो गया, अभी क्या लेना मुझे? हाँ, पूरा मॉल मुझे नीचे ऊपर 4 बार करने के बाद फाइनल किया है सुमित। तो लड़के
कितना पर्टिकुलर होते हैं, कलर ऐसे होना चाहिए, शेड ऐसे होना चाहिए। मैं चार पांच नहीं लेता हूँ ना, इसलिए एक लेता हूँ। कहने का मतलब क्या है, मैं चार पांच लेती हूँ? यस। तो घूम घाम के आगे हम फिर से हश पपीश। शॉपिंग हो गया जो जो चाहिए था मेजरली, उसके बाद भी शॉपिंग करेंगे। अभी बज रहे हैं, डेढ़ बज चुके हैं ऑलरेडी, और अभी चलिए लंच के लिए। यहाँ पर एक है कटपल्स करके, वहाँ अभी लंच करने का सोचा है, चलिए देखिए। रश्मिता ऑर्डर प्लेस करेगी आज। पूरा मेन्यू में पढ़ ली, सारा याद रह गया, अभी ऑर्डर करते हैं। थ्री रोटी, ये तीन वाला रोटी है। हाँ। नया नहीं, और ये बंदा बैठ के कटलरी साफ कर रहा है। ये बाहर है ना, गंदा हो गया होगा। क्या? बाहर है ना, गंदा हो गया। हाँ, पर खाना तो आने दो। आ जाएगा अभी। शाम को देखिए जो आम पन्ना स्पून से पी रहा है, खत्म हो जाएगा करके धीरे धीरे पी रहा हूँ या मन कर रहा है? आइस है ना, इसलिए थोड़ा थोड़ा पी रहा हूँ। खा के बताइए कैसा है। सॉफ्ट है। हाँ, मीट भी सॉफ्ट है पूरा। डाउन डाउन चेन टिके डाउन। सुमित का मेजरमेंट चल रहा है आज। सुमित पूरा शॉपिंग के मूड में है, पता नहीं क्या क्या खरीदना है उसको। इस बंदे का कंफ्यूजन देखो, पूरा घूम के आ गया, फिर से इसको ये वाला लेना है नहीं लेना है, कंफ्यूज। मुझे तो अच्छा लग रहा है, पता नहीं इतना कंफ्यूज क्यों है। ये दो जैकेट में कंफ्यूजन है। इसे देखिए, इस जैकेट में यहाँ पे से एक चेन है, यहाँ पे थोड़ा डिटेलिंग है, और ये जैकेट में वो चेन नहीं है।
तो इसका कंफ्यूजन चल रहा है लास्ट 15 मिनट से, कौन सा लेगा घर के। फाइनल हुआ कौन सा? फाइनल विदाउट ये वाला, विदाउट चेन। और ये लोग एक चेन के लिए 200 रुपए एक्स्ट्रा डाले हैं, सिर्फ इतना सा डिफरेंस ही है ना। बहुत सारे चेंजेस है यहाँ पर, ये ओके उतना ही, और क्या। और इसका स्टिच नहीं है, वेरस इसका स्टिच है। ओके ठीक है, तो ये वाला फाइनल है राइट। अभी हम आ गए स्टारबक्स, सुमित को कॉफी लेना था, वो काउंटर पे है। हो गया शॉपिंग, आ जा रहे हैं अभी वापस घर। और क्या क्या शॉपिंग की है घर जाके आपको दिखाते हैं। अभी टाइम हो गया है 6:30, मतलब अच्छा खासा 6-8 घंटे खत्म हो जाते हैं एक बार मॉल जाओ थोड़ा बहुत कुछ खरीदारी करने में। और अभी क्या हुआ ना, ठन गोपाल हो गया है क्योंकि सुमित के वॉलेट में आपको दिखाती हूँ कुछ पैसे नहीं, कुछ नहीं, सारे पैसे खत्म करके आए हैं सुमित। तो अभी जाएंगे ATM से थोड़ा कैश ड्रॉ करेंगे, क्योंकि सच में सुमित के वॉलेट में शायद से 20 रुपए हो गए, मेरे वॉलेट में 0 चल रहा है, 10 रुपए है क्योंकि वॉलेट खाली नहीं करना चाहिए। बहुत टाइम से वॉलेट में नहीं है ना सुमित पैसे, नहीं है जब से UPI स्टार्ट हुआ है वॉलेट में। नहीं नहीं वो ठीक है, बट ये पूरा जीरो बैलेंस में वॉलेट में कैश में चल रहे हैं आई थिंक 2-3 वीक हो गया ना। तो अभी चलते हैं ATM चाहेंगे, थोड़ा कैश ड्रॉ करेंगे, उसके बाद घर जाएंगे। और ये देखिए बैंगलोर का ट्रैफिक, थोड़ा थोड़ा बारिश हो गया है तो हम गुड़ 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 करके जा रहे हैं घर जाने के लिए, और 10-15 मिनट लगेगा। और ये रहा सुमित, शॉपिंग कर करके थक गया है आज। हाँ आज चल चल के बहुत थक गया, नहीं वैसे उतना नहीं मैं ऐसे बोल रहा हूँ। चले दोस्तों वापस घूम फिर के घर आ चुके हैं, और चले मैं दिखाता हूँ मैंने क्या क्या शॉपिंग किया है। इस बार मेरा शॉपिंग कुछ ज्यादा ही हुआ है, ये एक फुल हैंड टी शर्ट है। ऐसे कौन दिखाता है, ऐसे दिखाता है। और ये एक कैजुअल जैकेट है, ये और एक फुल जैकेट है। ये जैकेट के लिए ही सबसे ज्यादा टाइम लग गया। और एक जीन्स है, ब्लैक जीन्स। ओपन करो, इट्स प्लेन ब्लैक, जेट ब्लैक। इसके साथ मेरे पास फॉर्मल शू नहीं था, तो मैंने फॉर्मल शू मतलब था खराब हो गया था, तो ये शू मैं लेके आया। और एक बेल्ट, ओपन करो बेल्ट, थोड़ा अच्छे से दिखाओ। हाँ इसमें कुछ नहीं है ना, इसमें नहीं, वो बकल, ये तुम्हें यही बहुत पसंद आया ना, इसको देख के ही खरीदे। ये बकल मुझे पसंद आया। और कल सुबह हम कहीं जा रहे हैं बाहर, क्योंकि वीकेंड है और मैं बोर हो चुका हूँ काम कर करके, तो हम जा रहे कल सुबह, वो आपको कल पता चलेगा हम कहाँ जा रहे। चलिए थोड़ा सा कपड़ा पैकिंग करना है। रुको रुको रुको, और आप लोग बोलो कि सारे शॉपिंग सुमित का, मेरा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हार्डली कभी कभार सुमित को कुछ पसंद आता है, और पसंद आने से ज्यादा है कि सुमित का मूड रहता है कुछ खरीदने के लिए। हाँ। आज फॉर ए चेंज सुमित का मूड था, वो ऐसे देख रहा था क्या अच्छा है क्या कलेक्शन आया, तो इसलिए मैं कुछ नहीं बोली कि चलो तुम कर लो। अगर मैं एक बार भी बोलूँ कि मुझे कुछ लेना है तो वो सब कुछ छोड़ देगा। तुमने कहा नहीं तुम आराम से खरीद लो, एंड में मैं सोची कि चलो मैं कुछ देखती हूँ, पर तब तक मैं एक्चुअली थोड़ा थक भी गए थे और मन भी नहीं था, और एक दो में ट्राई भी की जो अच्छा नहीं लगा तो मैंने कहा चलो रहने तो किसी और दिन, तो आज इसीलिए सुमित का शॉपिंग हुआ है। तो जनरली मैं ज्यादा शॉपिंग करती हूँ। और अभी जाएंगे कल का ट्रैवल का थोड़ा पैकिंग करना है, तो ये कुछ आउटफिट्स हैं
जो हमने कल ट्रैवल के लिए अलग से निकाल के रखा है, ये धुले हुए कपड़े हैं, ये अलग अंदर जाएगा, ये हमारे साथ कल ट्रैवल के लिए जाएगा। और अभी हम घूम के आके ये छांट लिए हैं क्या क्या पहनेंगे ट्रिप के लिए, और वो जैसे सुमित ने कहा जाएगा यहाँ अंदर कुछ अलग अलग कबर्ड में, क्रिकेट होके रश्मि दाई का सेक्शन, कुछ मेरा सेक्शन। और इसी के साथ आपको मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, जो कि ट्रैवल वाला ब्लॉग होने वाला है। होपफुल आपको आज का जो वीडियो पसंद आया होगा, मॉल घूमना, खाना पीना, मस्ती करना, और सुमित का शॉपिंग भी, मेरा जो नहीं नहीं जो जो तुम खरीदे हो उसमें से आपको कौन सा अच्छा लगा बताइए, अच्छा लगा जरूर बताइए। और मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए आपका सेहत का ध्यान रखिए और खुश रहिए, एंड बाय बाय।